नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा 2019। तो दोस्तों, मैं एक सर्वे के अनुसार आप लोगों के लिए इस वीडियो को लाया हूं दोस्तों। जो पेपर दो है क्षेत्रीय भाषा यानी लैंग्वेज पेपर टू, जो कि मेरिट पेपर में इनका मार्क्स जुड़ा जाएगा। तो इनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले जो छात्र, वो किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं, तो इन्हीं पे हम डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड, और मैं पेपर दो में जो भाषा है, जो 17 जो भाषा है, नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी, खोरठा, तो इनमें क्या नॉर्मलाइज होगी या नहीं, इन्हीं पे हम बात करेंगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मोबाइल में मिल सके। तो चलिए साथियों, तो साथियों आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो विज्ञापन है रिवाइज्ड सीजीएल का, तो पेपर दो क्षेत्रीय भाषा जो है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह था कि दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों के जो ज़्यादातर जो छात्र हैं, वो किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, स्क्रीन में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, बहुत सारे लैंग्वेज है। लगभग ये 100 वैकल्पिक प्रश्न है, और मैं बता दूं कि इनमें नॉर्मलाइज होंगे या नहीं, इन्हीं पे आज बात करेंगे। तो साथियों, हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो आप लोगों को मदद करनी होगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो मैंने 500 लड़कों से, और प्लस जो स्मार्ट कैफ़े हैं, स्मार्ट कैफ़े के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दोस्तों, मैं बहुत लड़कों से पता लगाया, लगभग 1000 लड़कों से पता लगा लिया हूं। और दोस्तों, आप लोग से भी मैं पता लगाना चाहता हूं कि आप लोग किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, आप जिस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं, तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें कीजिए कि अगर आप हिंदी लिए तो हिंदी को लिखकर मैसेज कीजिए, अगर आप अंग्रेजी जो छात्र है अंग्रेजी को कमेंट कीजिए, और जो आप क्षेत्रीय सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हैं, आप कमेंट को सिलेक्ट करके कमेंट में मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में एक एनालिसिस करके कि ज़्यादातर जो छात्र हैं, वो किस सब्जेक्ट को लिए हैं, मैं एक सर्वे करके आप लोगों के एक आंकड़ा आप लोगों के लगभग आप लोगों के सामने एक जारी रख सकूँ। और हम बता दें कि जो हम हिंदी हो गए, और उसके बाद कुरमाली दो सब्जेक्ट, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगिनिया, ये पांच सब्जेक्ट को दोस्तों मैं मेंस एग्ज़ाम में कवर कराऊंगा अभी से। तो दोस्तों, खोरठा का जो है वो पांच सेट अपलोड कर दिए गए हैं हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर आप नहीं देखे हैं जो खोटा को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं। और कल से दोस्तों, मैं नागपुरी लैंग्वेज को भी लाऊंगा। और चलिए, अगर आप सबसे पहले मैं बता दूं, ये सब जो जितने भी पेपर हैं, आपको मार्केट में कौन कौन से बुक अवेलेबल है, किस किस सब्जेक्ट को, मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी का जो है वो अवेलेबल रहेगा मेन्स एग्ज़ाम के लिए। मैं सर से भी बात किया, जो हमारे जो सर है बैजनाथ उपाध्याय, वो बोले कि शिवांगन जारी करेगी जल्द हिंदी पेपर को लेकर। उसके बाद खोटा भी जारी हो गए हैं, वो मार्केट में बहुत जगह, मार्केट जो बड़े शहर हैं वहाँ पर उपलब्ध है, और नागपुरी भी उपलब्ध है। और आपको किस जगह मिलेगा, चलिए मैं दुकान को आपको लिए चलता हूँ, जो दुकान का प्रिंट है। तो आप देख सकते हैं, ये जो दुकान है, आप भी जाकर कोई भी क्षेत्रीय भाषा का किताब यहीं से ले सकते। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, झरोखा शॉप नंबर DG3, न्यू बिल्डिंग, न्यू मार्केट, रातू रोड, रांची, झारखंड। तो मोबाइल नंबर भी दी गई है, तो आप मोबाइल नंबर लेकर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप क्षेत्रीय भाषा का, अगर आपके मार्केट में किताब, शहर में किताब नहीं मिल रहे हैं, तो आप कॉल करें 99-73-11-20-40 में। उसके बाद एक नंबर है 79-79-11-886 में। तो इनमें भी आप कॉल करके अपने जो क्षेत्रीय भाषा का है, वो अपने किताब इस दुकान से रांची में किन सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये पांच सब्जेक्ट को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवश्य कवर कराऊंगा। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगिनिया और कुरमाली, ये पांच सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से नए हैं तो सब्सक्राइब को अवश्य कर लें। और रही बात दोस्तों
कि पेपर दो में जो लैंग्वेज पेपर है उनमें क्या इफेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग बहुत ही लंबी चौड़ी सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर लड़के हिंदी को सिलेक्ट नहीं किए हैं। तो चलिए मैं हिंदी का भी कुछ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितनी लंबी चौड़ी सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो मैला जो आंचल है, देखिए कितने लंबे इनकी लंबी चौड़ी एक पुस्तक 399 पेज की है। और आपका इसका किताब किने जाएंगे तो नहीं हो, आपको बता दूं दोस्तों 2500 के आसपास सिर्फ इनका सिलेबस का लगेंगे। तो चलिए खोटा का जो बुक है वो कहाँ पर उपलब्ध है, मैं उनका भी आपको विवरण दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो सचिवालय सहायक खोटा का जो है वो 550 रुपये में उपलब्ध है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं संपूर्ण नोट्स दोस्तों, संपूर्ण नोट्स, और आप सब्जेक्ट भी देख सकते हैं सोधमाठी कोहटा अजगर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था। और मैं बता दूं कि यह वीडियो बनाने का एक सर्वे है दोस्तों, तो आप कमेंट अवश्य करें कि आप किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं। हम अगले वीडियो में दोस्तों मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइज पेपर दो में होगा या नहीं होगा, और ज़्यादातर जो लड़के हैं वो किस पेपर को सेलेक्ट किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से और जो भी है सभी जानकारी से लेकर दोस्तों मैं और आप लोगों से भी जानकारी लेकर एक सर्वे करूंगा अगले वीडियो में। आप लोगों को दोस्तों 3 दिन बाद मैं अवश्य मना दूंगा। तो वीडियो को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।